छपरा से है, जहां छुट्टी के दिन मुख्य न्यायाधीश के घर कोर्ट लगी, छात्रा की परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छुट्टी के दिन मुख्य न्यायाधीश के घर कोर्ट लगी, छात्रा को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया गया। एमएटी विश्वविद्यालय ने छात्रा को परीक्षा से बाहर किया था, कम उपस्थिति के कारण पूरक परीक्षा से बाहर किया गया था। छात्रा ने एमएटी विश्वविद्यालय के अटेंडेंस पोर्टल की खामी बताई है। पोर्टल में गड़बड़ी में उपस्थिति कम दर्ज हुई है, छात्रा की तरफ से कहा गया है। बिना कोर्ट के आदेश के परिणाम घोषित करने पर रोक। तो याची की दलील गलत निकली तो हर्जाना देना होगा। छुट्टी के दिन मुख्य न्यायाधीश के घर कोर्ट लगी, बड़ी खबर प्रयागराज से है। एमएटी विश्वविद्यालय ने छात्रा को परीक्षा देने से इनकार किया था, कम उपस्थिति के कारण पूरक परीक्षा से बाहर किया गया था छात्रा को। छात्रा ने एमएटी विश्वविद्यालय के अटेंडेंस पोर्टल की खामी बताई है। छात्रा की तरफ से कहा गया है, पोर्टल में गड़बड़ी से उपस्थिति कम दर्ज हुई है, बिना कोर्ट के आदेश के परिणाम घोषित करने पर रोक है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ धीरेन्द्र हमसे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, ये क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, पूरा मामला नोएडा के कॉलेज का है, जहां पर एक छात्रा है, उसकी अटेंडेंस कम होने की वजह से उसको परीक्षा में रोका गया था। इसी को लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, और याचिका उसने किया था कि हमारी अटेंडेंस पूरी है, यानी हम 100% मेरी अटेंडेंस है, पोर्टल की खामी की वजह से अटेंडेंस 60 बताई जा रही है, यही वजह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। छुट्टी का वक्त था, सुनवाई नहीं हो सकती थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने अपने घर में ही कोर्ट बुलाई है और पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जो छात्रा है उसको परीक्षा में सम्मिलित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उसमें जिस तरीके से यानी जो छात्रा है वो अपने याचिका में जिक्र किया है कि उसकी अटेंडेंस पूरी है, उस सब के बावजूद भी उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है, पोर्टल की कुछ खामियों की वजह से जो उसकी अटेंडेंस है वो 60 बताई जा रही है। हालांकि चीफ जस्टिस ने अपने घर पे कोर्ट बुलाई, उसके बाद फिर निर्णय दिया है कि परीक्षा में ये जो छात्रा है वो सम्मिलित हो सकेगी। क्योंकि वक्त कम था, आज ही उसकी परीक्षा है, 2 बजे से वो परीक्षा में आज परीक्षा शुरू हो जाएगी, और यही वजह रही है कि जो चीफ जस्टिस है वो अपने घर में कोर्ट बुलाए हैं कि किसी भी तरीके जो छात्रा है वो परीक्षा से वंचित ना रह जाए, उसको न्याय से वंचित ना रह जाए, अपने घर के छुट्टी के दिनों में कोर्ट लगाई है और ये निर्देश दिया है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि छात्रा को परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। या साथ ही साथ ये भी कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका किसी तरीके की भ्रामक या गलत सूचना है तो उसको हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से याचिका जो छात्रा है वो कोर्ट को बताया है कि उसकी अटेंडेंस पूरी है, पोर्टल की खामी की वजह से ही उसको बाहर किया जा रहा था। जी जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।